मृतक विवेक तिवारी की हत्या के दो दिनों बाद पीड़ित परिवार से मिले सीएम योगी, परिवार को दिया हर संभव मदद का भरोसा। विवेक तिवारी की दोनों बेटियों से सीएम ने अलग से की बात, बच्चों से जाना हालचाल। सीएम योगी से मुलाकात के बाद विवेक की पत्नी कल्पना ने कहा, शासन पर बढ़ा भरोसा, न्याय की उम्मीद जगी है। मेरी सरकारी नौकरी, मेरे आवास की समस्या, मेरी सारी बातों को उन्होंने सुना और सारी बातों को उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर करूंगा, बस आप धैर्य रखें और अपने बच्चों का ध्यान रखें। सीएम के साथ बैठक के बाद डिप्टी सीएम का बयान, कहा विवेक की बच्चियों के नाम 5-5 लाख रुपए की एफडी होगी, विवेक की मां को भी मिलेंगे 5 लाख रुपए। लखनऊ में पुलिस की गोली से मारे गए विवेक तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पॉइंट ब्लैक रेंज से मारी गई थी विवेक को गोली। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी ही पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि विवेक हत्याकांड में अधिकारी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक तिवारी हत्याकांड में हरदोई से बीजेपी विधायक रजनी तिवारी ने सीएम को लिखी चिट्ठी, अधिकारियों के रवैये पर उठाए सवाल। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यूपी में कुछ अधिकारी फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज विवेक तिवारी के परिवार से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार के घर कल से सियासी दलों के आने का चालू है सिलसिला। विवेक की हत्या के 3 दिन के भीतर ही लखनऊ में फिर चली नौजवान पर गोली। अलीगंज इलाके में पार्किंग विवाद में बदमाशों ने गोली मारी। दिल्ली के तैमूर नगर में रूपेश नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या, रक्स तस्कर पर हत्या का आरोप, वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 31 साल के एक टीचर की गोली मारकर हत्या, प्रेम प्रसंग में गई जान, परिवार को लड़की के भाई पर हत्या का शक। गाजियाबाद में बीएसएफ जवान ने साथी को मारी गोली, मामूली विवाद के बाद ली जान, आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में नहीं थम रहा अपराधों का सिलसिला। तेलीबाग इलाके में 5 डकैतों ने परिवार को बंधक बनाकर की लाखों की लूटपाट, अपराधी अब तक फरार। यूपी के नोएडा में फर्जी प्रॉपर्टी दिखाकर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, गैंग का सरगना फरार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मोरटी इलाके में रॉड और लाठियों से लैस बदमाशों ने एक ऑफिस में की तोड़फोड़, 5 लोग घायल, बकाया राशि मांगने पर हमला। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती का अपहरण कर रेप, बदमाशों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर किडनैप किया, दोनों आरोपी फरार। यूपी के गोरखपुर में व्यवसायी अभिषेक शर्मा को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, 15,000 रुपए लूटकर बदमाश फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, बदमाशों की फायरिंग में एक महिला की मौत, बच्ची घायल। बिहार के कटिहार में छेड़खानी से परेशान छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ा, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। तेलंगाना के जगतियाल में 2 छात्रों ने पेट्रोल डालकर खुद को किया आग के हवाले, 10वीं में पढ़ते थे, आत्महत्या करने वाले दोनों छात्र। यूपी के बस्ती में दर्दनाक सड़क हादसा, बस को धक्का लगा रहे लोगों को ट्रक ने कुचला, 6 लोगों की मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन को लेकर 2 पक्षों में विवाद, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जबरन युवक का धर्म परिवर्तन कराने को लेकर किया हंगामा। दिल्ली के सरिता विहार से अगवा किए गए 3 साल के बच्चे को पुलिस ने यूपी के मुरादाबाद से छुड़ाया। चेन्नई में पति के अवैध रिश्ते से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या, पत्नी के रोकने पर पति ने नए अडल्ट्री कानून का दिया था हवाला। ओडिशा के कृषि मंत्री के खिलाफ महिला आयोग पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, कृषि मंत्री ने महिलाओं पर की थी अभद्र टिप्पणी। दिल्ली के स्वरूप नगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरा, हादसे में 1 मजदूर की मौत, 2 घायल, मलबे में दबे कई और मजदूर। ईरानी सेना ने सीरिया में आतंकी ठिकानों पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, कुछ दिन पहले ईरान की मिलिट्री परेड पर आतंकियों ने किया था हमला, ईरान ने कहा उसी का लिया बदला। इंडोनेशिया में तबाही के बाद पालू शहर में अब भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, मलबे के नीचे दबे लोग लगा रहे हैं बचाने की गुहार। बिहार के सासाराम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के कार्यक्रम में हंगामा, काला झंडा दिखाकर विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने पीटा। एमपी के छतरपुर में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम के तय वक्त पर नहीं पहुंचने से बस स्टैंड पर लोगों का हंगामा, झंडा लहराने को लेकर पुलिस से भी उलझे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर लगे पेड़ पर चढ़ा शख्स, अलीगढ़ में बहनोई की जमीन पर बिल्डरों की दबंगई से था परेशान। मुरादाबाद में आदमखोर तेंदुए की तस्वीरें, कैमरे में कैद होने से दहशत, तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग की टीम नाकाम।
LOC पर बड़े हमले की फिराक में पाकिस्तानी सेना पाक आर्मी की POK ब्रिगेड आतंकियों को दे रही है ट्रेनिंग। सूत्रों के मुताबिक राशियान गली, कादलान और उरी में फिर से हमले की तैयारी। आतंक पर इमरान सरकार का दो मुहा रवैया फिर से हुआ बेनकाब। इस्लामाबाद में इमरान के मंत्री नूर उल हक के साथ आतंकी हाफिज सईद ने साझा किया मंच। जम्मू कश्मीर में PDP विधायक के SPO ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया। सोशल मीडिया में वायरल तस्वीर, हथियारों के साथ दिख रहा है आदिल बसीर। जोधपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट से 6 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड टीम। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ PM मोदी की द्विपक्षीय बैठक खत्म। कृषि, टूरिज्म और स्वास्थ्य क्षेत्रों समेत 17 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। UP के स्मारक घोटाले में मायावती को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने घोटाले की CBI और SIT जांच कराने की अर्जी को खारिज किया। एयरसेल मैक्सिस डील की जांच कर रही CBI और ED कोर्ट की फटकार। एजेंसियों ने कहा सरकार से जांच की नहीं मिली अनुमति, चार्जशीट में चिदंबरम का नाम। BJP नेता अश्विनी उपाध्याय ने तिलक मार्ग थाने में CM केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की। विवेक हत्याकांड पर केजरीवाल ने किया था विवादित ट्वीट। शिवसेना ने फिर से किया BJP सरकार पर हमला। संजय राउत ने राफेल डील को बोफोर्स घोटाले का बाप बताया। सीलिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मनोज तिवारी ने माफी मांगने से किया इनकार। कहा कोर्ट के आदेश पर सीलिंग ऑफिसर बनने को तैयार। जामिया, ओखला और शाहीनबाग में सीलिंग न होने पर भी उठाए सवाल। संभाजी भिड़े और उनके साथियों पर मेहरबान फडणवीस सरकार। जून 2017 से सितंबर 2018 तक 6 केस वापस लिए, RTI कार्यकर्ता ने किया खुलासा। मध्य प्रदेश में BJP के खिलाफ लामबंद हुए विरोधी, 8 पार्टियों ने बनाया गठबंधन। MP के छतरपुर में शिवराज ने किया मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन। कार्यक्रम के दौरान जेब कतरों ने BJP के नेताओं की जेब काटी। छतरपुर में CM शिवराज के लिए पुलिसकर्मियों ने बांटे चुनावी पैम्फलेट। CM की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष केशव चंद्र यादव का विवादित बयान। कहा सरकार बनने पर पुलिस से लेंगे लाठीचार्ज का बदला। शहर के चौक पर मुर्गा बनाकर पिटवाएंगे। तेजस्वी यादव ने फिर साधा नीतीश सरकार पर निशाना। ट्वीट करके कहा बिहार में AK-47 का राज। नीतीश की बदौलत पुलिस से ज्यादा बदमाशों के पास हथियार। पूर्व सांसद सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त को कांग्रेस ने सेक्रेटरी के पद से हटाया। प्रिया दत्त की सफाई, नियमित प्रक्रिया के तहत हुआ फेरबदल। कोच्चि में राज्य सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। महाराष्ट्र के पालघर में शिवसेना नेता की दबंगई। सर्विस देने में देरी करने पर वेटर की पिटाई की। ED ने 5 देशों में भगोड़े नीरव मोदी की 637 करोड़ की संपत्ति जब्त की। अब तक कुल 4,300 करोड़ रुपए की वसूली। 13,500 करोड़ का घोटाला करके भागे हैं मेहुल चौकसी और नीरव मोदी। भारतीय किसान आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। यूपी दिल्ली सीमा पर किसान मचा सकते हैं उत्पात। पेट्रोल के बाद अब रसोई गैस महंगी। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 59 रुपए और सब्सिडी वाला सिलेंडर 2.89 रुपए महंगा हुआ। पेट्रोल डीजल के बाद महंगाई का एक और झटका। आज से दिल्ली NCR में CNG और PNG 10% महंगी हुई। पंजाब नेशनल बैंक का पर्सनल और ऑटो लोन महंगा। ब्याज दरों में 0.2% की बढ़ोतरी। कॉल ड्रॉप से परेशान ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। ट्राई ने कहा कॉल ड्रॉप के बदले मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों पर लगेगा भारी जुर्माना। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी पहुंचे अयोध्या। रामलला के मंदिर में की पूजा। गुजरात दौरे पर पहुंचे दुनिया के 60 देशों के प्रतिनिधि। गांधीनगर में महात्मा मंदिर और अहमदाबाद में साबरमती आश्रम भी पहुंचे। इलाहाबाद में गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले किया। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद हुआ था हंगामा। यात्रा किराया बढ़ोतरी की मांग को लेकर जम्मू में ट्रांसपोर्टर्स का बंद। कुछ जगहों पर पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। मुंबई का मुलुंड डंपिंग ग्राउंड आज से बंद। डंपिंग ग्राउंड से इलाके में बढ़ रही थी बीमारी की समस्या। 24 हेक्टेयर में फैला था डंपिंग ग्राउंड। हैदराबाद के सिकंदराबाद को बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन का सम्मान मिला। केंद्रीय मंत्री के अल्फोंस ने किया सम्मानित। असम की राजधानी गुवाहाटी में पुलिस डे प्रोग्राम के दौरान पुलिसकर्मी हुआ बेहोश। सुबह से चल रही थी परेड की प्रैक्टिस।
सचिन तेंदुलकर पहुंचे बांद्रा के म्यूनिसिपल स्कूल, बच्चों को सिखाए स्वच्छता के फायदे। मनाली से लेह को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को खुलने में अभी और लग सकता है 2 दिनों का वक्त। भारी बर्फबारी के बाद कई जगहों से सड़क टूटी। ओडिशा के मयूरभंज में गर्भवती महिला को खाट पर रखकर अस्पताल पहुंचाया गया। खराब रास्ते की वजह से जरूरतमंद परिवार तक नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।